हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको पता है सिंपल वन यहाँ पर हो चुका है लॉन्च, पर मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सिंपल वन ने बहुत सारी चीज़ें इसकी बताई, जैसे प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन बताए, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी बची है जो अभी इन्होंने नहीं बताई है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं इसको बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि अभी आप इसको बाय मत कीजिए, क्योंकि ये अभी अर्ली ईयर हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको बाय कर लेंगे, क्योंकि बहुत अर्ली फेस है। ये अनफिनिश प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक फिनिश प्रोडक्ट निकल के नहीं आया है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमें इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सिंपल वन में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पर, और वो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो प्राइस है वो इन्होंने रखी है 1,45,000 रुपए। अब आप सोचिए कि 1,45,000 रुपए में आपको यहाँ पर फास्ट चार्जर भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1,45,000 के बाद आप 13,000 एक्स्ट्रा देंगे तो यहाँ पर आपको 750 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 750 वॉट का ही चार्जर हमें ओला बाय डिफॉल्ट देता है, जो गाड़ी हम लेते हैं उसके साथ ही। वहां पर वो कोई भी चार्जर का कॉस्ट हमसे नहीं लेता है, वो भी इतने वोल्ट का ही हमें चार्जर देता है। सेकंड बात कर लेते हैं हम, कि यहाँ पर आईडीसी रेंज बताई इन्होंने 212 किलोमीटर, और कुछ भी नहीं बताया कि इस मोड में कितनी कितनी रेंज मिलने वाली, कुछ नहीं पता अभी हमें। इसमें सिर्फ 212 किलोमीटर रेंज का इन्होंने बोल दिया है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, इसकी जो रेंज है ये इको मोड में 212 किलोमीटर बोल रहे हैं, बट आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो रेंज है बाकी सारे मोड्स में इसकी रेंज सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पर 212 किलोमीटर इसमें इको मोड में, तो हम ऑल टाइम इको मोड में तो नहीं चलाने वाले हैं। उसकी दूसरे मोड की रेंज मैं आपको बताता हूँ कि इको मोड में 190 ये ओरिजिनल हमें दे देगी, और राइड मोड में 89, और डैश मोड में 59, और सोनिक मोड में 39। तो आप सोचिए अभी सोनिक मोड में 39 किलोमीटर ही चलेगी, मतलब ये तो बहुत बड़ा रेंज का हमें ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है यहाँ पर सिंपल वन के साथ में। पता नहीं इन्होंने ये वेरिएंट कैसे लॉन्च कर दिया अभी। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप ऑल टाइम इको मोड में तो नहीं चलाएंगे, तो इनको इस पर क्लियरिटी देनी चाहिए थी कि यार हर एक मोड पर कितने कितने रेंज निकल के आनी चाहिए रियली में, क्योंकि अभी तो हमारे सामने यही रेंज निकल के आई है जो हमें गाड़ी बता रही है। गाड़ी के अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर हम मोड चेंज कर रहे हैं तो हमें इतनी इतनी रेंज निकल के आई है, और ये बहुत शॉकिंग रेंज है सबके लिए। पर हमें ये भी नहीं पता कि अभी जो 5 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई है कौन से कितने किलोवाट की बैटरी लगी है, मतलब इसमें हमें दोनों बैटरी के किलोवाट्स पता ही नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर कौन सी बैटरी कितने किलोवाट की है, कि 2.5 किलोवाट की लगाई है या फिर 1-3 की और 1-2 की है। तो अभी ऐसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और लॉन्चिंग के टाइम भी इन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है। तो दोस्तों ये भी एक हो जाता है कि यार इनको ये चीज़ें तो बता देनी चाहिए थी। और आपको तो पता ही है कि चार्जिंग टाइम भी इन्होंने बता रखा है जो वो बहुत ज़्यादा है अगर हम नॉर्मल चार्जर से चार्ज करेंगे तो। और गाइस यहाँ पर अभी जब ये गाड़ी जब टेस्टिंग में इन्होंने लॉन्च करी है तो उस दिन है ना इसका रीजन वर्क नहीं कर रहा था। अब हमें नहीं पता कि जो इनका फाइनल प्रोडक्ट है इसमें रीजन वर्क क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे कि इन लोगों ने टेस्ट ड्राइव के लिए दी तो वहाँ पर है ना इनका जो रीज़न है ना वर्क नहीं कर रहा था। और मैं बता देता हूँ आपको कि हमें ऐसा भी बात पता चली कि इसका फाइबर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओला, क्योंकि आप देखें तो इसमें ना फिट एंड फिनिश और फाइबर की है ना हमें इशू पहले भी बताई गई थी लोगों की तरफ से। तो यही वाला केस है कि यहाँ पर ओला से भी इसका जो फाइबर है वो अच्छा नहीं है। तो सिंपल उनको इस पर काम करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप 1.5 लाख रुपये ले रहे हो कस्टमर से और उसके बाद आपका प्रोडक्ट ऐसा निकल के आ रहा है तो अच्छी बात नहीं हो जाती है, क्योंकि 1.5 लाख में बहुत सारे और भी स्कूटर्स हैं मार्केट में। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो प्रोडक्ट निकल के आया है सिंपल वन का, इसमें और भी आगे चेंजेस होंगे, तो ये पूरा प्रोडक्ट अभी आप इसको नहीं कह सकते। तो इससे अच्छा आप चाहें तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी सिंपल वन में और भी चेंजेस होने वाले हैं। ये एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है पूरा, और इसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट आप बाय करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। जैसे शुरू में ओला में भी प्रॉब्लम आए थे, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते गए, वैसे सिंपल वन का भी केस यही होने वाला है कि प्रॉब्लम्स आएंगे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है यहाँ पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू दोस्तों।